दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इस समय टीवी पर कई सीरियल में हमें लीप देखने को मिल रहे हैं और उन सभी लीप के बाद सीरियल की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जहां कई जाने माने सीरियल में हमें लंबा जनरेशन लीप देखने को मिला है, लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन से टीवी सीरियल्स हैं जिसमें हमें एक लंबा जनरेशन लीप दिखाई दिया? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सब सीरियल के बारे में बताने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी कि वो कौन से सीरियल हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, मीत। जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल मीत बदले की दुनिया की रीत में भी एक साल का लीप देखने को मिलने वाला है और इस लीप के बाद सीरियल से कुछ किरदारों की एग्जिट हो जाएगी। तो वहीं आशीष सिंह और शगुन पांडे फिर एक बार सीरियल में अलग अंदाज में देखने को मिलेंगे और इस लीप के लिए दर्शक बेहद एक्साइटेड है। नंबर दो, कुमकुम भाग्य। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में हमें 5 साल का जनरेशन लीप देखने को मिलने वाला है और इस लीप के बाद सीरियल में प्राची की बेटी की कहानी देखने को मिलेगी, जिसके बाद पूरी कहानी प्राची की बेटी पर ही दिखाई जाएगी और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस लीप के बाद सीरियल की टीआरपी काफी आगे पहुंच जाएगी। नंबर तीन, नागिन 6। नागिन सीरियल में जहां हमें कुछ समय पहले एक लंबा जनरेशन लीप देखने को मिला था, तो वहीं फिर एक बार कुछ समय का लीप देखने को मिला है, जिसमें तेजस्वी प्रकाश एक बार फिर प्रीति का किरदार निभाती हुई नजर आ रही है, जिनके इस किरदार से दर्शक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। नंबर चार, पांडे स्टोर। जी टीवी के सीरियल पांडे स्टोर में 5 साल का लंबा लीप देखने को मिलने वाला है और इसके बाद चारों भाइयों में मतभेद देखा जाएगा। गौतम और धारा के बेटे को भी बड़ा दिखाया जाएगा, तो वहीं शिवा और रावी का एक बेटा भी दिखाया जाएगा और इस लीप के बाद कई नए किरदारों की एंट्री भी देखने को मिलने वाली है। नंबर पांच, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शामिल है स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का, जिसमें हाल ही में हमें 5 साल का जनरेशन लीप देखने को मिला है, जिसके बाद अक्षरा अपने बेटे अभिनव के साथ अकेले रहकर जिंदगी गुजार रही है। वेल दोस्तों, सीरियल में आए इस लीप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।